गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हम आपके लिए मैं अनुप कुमार मिश्रा, लेक्चरर इंग्लिश लिटरेचर, सरस्वती विद्या निकेतन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिंडा नागौर, आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। हम आपके लिए ऐसा सिलेबस, ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको आप वाद विवाद कह सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष कह सकते हैं, फॉर अगेंस्ट के रूप में आप इसे ले सकते हैं। आप कोई बात उसी चीज़ के लिए सत्य के लिए रखिए और उसी बात के लिए आप उसके विरुद्ध रख सकते हैं। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब तर्क वितर्क का वर्णन के बारे में बात बताने जा रहे हैं कि तर्क वितर्क के बारे में कैसा वर्णन। वैसे आप आम समाज में सुनते रहते हैं कि तर्क वितर्क लोग करते हैं, तर्क वितर्क देते हैं, कोई कहते हैं ये काम करने से ऐसा हो जाएगा और कोई कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या कर सकते हो, कोई कहता है वहाँ जाएंगे तो क्यों जाओगे, वहाँ इसलिए आएंगे कैसे जाओगे, तो कब कहाँ क्यों कैसे का कोई उत्तर नहीं होता है। इसलिए तर्क वितर्क को पढ़ने के लिए कोई तर्क में बोलता है, कोई वितर्क में, मतलब कोई पक्ष में और कोई विपक्ष में। तो डिस्क्रिप्शन है ये अपना 4 नंबर मैक्सिमम मार्क 4 नंबर का चौथा टॉपिक है। 3 टॉपिक के बारे में आपको चर्चा कर सके हैं। पहला हमने आपको इन्विटेशन बता दिया, हमने आपको नोटिस बता दिया, एडवर्टाइजमेंट बता दिया, अब आपको बताने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, मतलब फॉर एंड पक्ष और अथवा अगेंस्ट एंड विपक्ष, पक्ष अथवा विपक्ष के रूप में एक टॉपिक, एक ऐसा विषय होगा जिस पर हम अपनी बात पक्ष में रखेंगे और विपक्ष में रखेंगे। हर टॉपिक के पीछे, हर सिलेबस के पीछे एक अपना रूल्स होता है। उस नियम को यदि हमें उस नियम को समझ में आ जाए तो हम उस टॉपिक या प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बिल्कुल सटीक एक्यूरेट उन नियमों को बिल्कुल हिंदी में लिख पाए हुए हैं जिनको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले हम आपको समझाएंगे नियम कि नियम क्या कह रहा है और अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें सारी गतिविधियों को करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इसका परिचय क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स, इस तर्क वितर्क के वर्णन का परिचय क्या है, ये परिचय है। इसके अंतर्गत मतलब अकॉर्डिंग टू टॉपिक के पक्ष, फॉर एंड पक्ष और अगेंस्ट विपक्ष, मतलब जो टॉपिक विषय होगा उसमें फॉर एंड पक्ष या अगेंस्ट विपक्ष, पक्ष और विपक्ष के अंतर्गत हमें उस टॉपिक को लेंगे। आर्गुमेंट तर्क देते हुए उसका डिस्क्रिप्शन करना होता है, मतलब जो अपना टॉपिक है उसमें फॉर अगेंस्ट करते हैं, पक्ष विपक्ष करते हैं और तर्क लेते हुए हम उसका वर्णन करते हैं। आर्गुमेंट से तर्क सत्य पर आधारित, मतलब सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, सत्यता पर आधारित होना चाहिए, अथवा तथ्य पर आधारित, अथवा फैक्ट, बेस ऑन फैक्ट, फैक्ट पर आधारित होना चाहिए, या ट्रुथ ऑफ बेस, मतलब बेस ऑफ ट्रुथ, सत्य पर आधारित होना चाहिए और फैक्ट ऑफ ट्रुथ, इस पर आधारित होना चाहिए, प्रमाणिक व सटीक होना चाहिए, हमारा प्रमाणिक भी होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए और यहाँ तक कि वो एक्यूरेट भी होना चाहिए ताकि हमारे दैनिक जीवन में वो लागू हो सके। फिर अगला नियम है टॉपिक के विपक्ष में, जब टॉपिक का फॉर के बाद अगेंस्ट लिखेंगे, तर्क बाद वितर्क बताएंगे बाद बाद में, तो टॉपिक के विपक्ष में आर्गुमेंट तर्क देते समय भी टॉपिक के विरुद्ध, जो उसके विरुद्ध बताना है, विपक्ष बताना है, सभी संभव तथ्य प्रमाण, तथ्य फैक्ट, प्रूफ, रिकॉर्ड, समाचार, न्यूज, पत्र, लेटर, रिपोर्ट, स्थानीय, लोकल, राष्ट्रीय, नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, संस्था, इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़े देने चाहिए, इनके द्वारा जो इशू किए गए और रिकॉर्डेड हैं उनको हमें देना चाहिए, शुड बी गिवेन, यानी टॉपिक के विपक्ष में यानी अगेंस्ट में आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट है तर्क है देते समय भी टॉपिक के विरुद्ध यानी जो पक्ष में लिख रहे हैं उस पर भी तथ्य, एक्यूरेट तथ्य और प्रूफ और सत्य पर आधारित होना चाहिए, और विपक्ष में भी सत्य पर आधारित होना चाहिए, चाहे वो स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, कोई भी संस्था हो, उनके द्वारा जारी किए गए, इशू किए गए हमें रिपोर्ट भी देना चाहिए। फिर हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं कि राइट, कुछ एग्जाम में ऐसे आते हैं जिसे मान लीजिए नोटिस ऊपर आ गया और अथवा मैं करके आर्गुमेंट्स आ गए, या आर्गुमेंट्स पहला क्वेश्चन आ गया, नोटिस दूसरा आ गया, या एडवर्टाइजमेंट आ गया और ये आ गया,
चार टॉपिक हैं, आपको चार में से दो टॉपिक आते हैं एग्जाम में और दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपको सॉल्व करना होता है। तीन टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको नोटिस बता दिया, इनविटेशन बता दिया, एडवर्टाइजमेंट बता दिया। आपका चौथा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर अगेंस्ट ए टॉपिक। अब ये चार टॉपिक में से आपके एग्जाम में दो टॉपिक आएंगे और उसमें से करना होगा आपको एक, यानी चार टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में आएंगे दो और सॉल्व करना आपने को एक क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में फोर नंबर क्वेश्चन, ये चारों टॉपिक उनमें से आते हैं। अब प्रश्न है राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्द इसके बारे में लिखो। किसके बारे में आगे बताते हैं आपको कि किसके बारे में आपको करना है, राइट लिखो इन अबाउट 50 वर्ड, 50 शब्द लिखो, व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में 50 शब्द लिखो। फॉर और अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में 50 शब्द लिखे। द टॉपिक जो विषय है, होमवर्क टू स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन, कि विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए। आपके एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न आ गया कि प्रश्न कह रहा है कि आपका टॉपिक है, आप इस टॉपिक के बारे में 50 शब्दों में लिखिए, या इसे ये बात लिखिए 50 शब्दों में लिखिए कि होमवर्क टू स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन, कि विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए। आपका ये प्रश्न है, प्रश्न रिपीटेशन, प्रश्न को रिपीट करके दोबारा प्रश्न पढ़ लीजिए। राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्द इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में 50 शब्द लिखिए। व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं। फॉर और अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं। द टॉपिक जो विषय है आपका, होमवर्क टू स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन, कि विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए। इस टॉपिक पर आपको पक्ष में भी करना है और विपक्ष में करना है, आपको तर्क और वितर्क दोनों देते हुए इसका प्रमाण करना है, आपको ये दोनों की चीज की सटीक एक्यूरेट चीजें बतानी है। अब देखो, सबसे पहले आपने डाला आंसर, आंसर डालने के बाद अपने कैपिटल लेटर में इस सब्जेक्ट को लिख दिए जिस सब्जेक्ट पर हम और अगेंस्ट के बारे में बोलने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें लिखना है कैपिटल लेटर में होमवर्क टू स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन, मतलब इसका अर्थ है विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, यह आपका टॉपिक है। सबसे पहले हम लिखेंगे फोर, फोर इंच का पक्ष में से फोर इंच तक के लिए, फोर इंच तक के लिए, यहाँ फोर इंच होता है पक्ष में और अगेंस्ट इन विपक्ष में, जिसे डिबेट होता है, डिबेट सुना होगा आपने, वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता, वैसे उसी प्रकार बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये भी वही है, लिखा हुआ है इसमें फोर, फोर यानी पक्ष और अगेंस्ट यानी विपक्ष। अब देखिए हो, पहले पक्ष में क्या कहता है, पक्ष में सही बात बोलता है होमवर्क टू स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन, मतलब विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए। यही टॉपिक जो मैंने आपको टॉपिक डाला है आंसर में, वही टॉपिक में पहली लाइन का जिक्र किया गया है, पहली लाइन जारी की गई है कि विद्यार्थियों को होमवर्क यानी गृह कार्य नहीं देना चाहिए। इट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, पक्ष में कह रहा है कि ये पुरानी अवधारणा बन चुकी है। इट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये पुरातन यानी पुरानी प्राचीन काल की अवधारणा बन चुकी है। इट हैज बीन आउट ऑफ फैशन, ये आपके फैशन के दौर से बाहर है। कह रहा है प्रश्न में, पक्ष में कह रहा है कि अब ये अपने फैशन के दौर से बाहर है। वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न एज, प्रश्न में पक्ष में कह रहा है कि हम सब आधुनिक जीवन में रह रहे हैं, हम सब आधुनिक जीवन में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न एज, हम सब आधुनिक जीवन में रह रहे हैं। स्कूल आवर्स आर ऑलरेडी लॉन्ग, विद्यालय के जो समय है वो पहले से ही लंबा हो गया है। स्कूल आवर्स आर ऑलरेडी लॉन्ग, विद्यालय का समय पहले से ही लंबा हो गया है, जो विद्यालय का समय ना उसमें एक पढ़ाई हो जाती है। Nowadays, आजकल स्टडी स्किल्स, अध्ययन की कुशलता विकसित हो जाती है, आजकल तो अध्ययन की कुशलता विकसित हो जाती है। इन क्लासरूम एंड स्कूल, आजकल तो अध्ययन की कुशलता कक्षा कक्ष और विद्यालयों में ही विकसित हो जाती है। अब देखिए दोबारा समझिए, पक्ष में कह रहा है कि होमवर्क टू स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन, मतलब विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, और इट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये पुरानी अवधारणा है, पुरातन अवधारणा बन चुकी है। इट हैज बीन आउट ऑफ फैशन, ये तो फैशन से बाहर है, कह रहा है कि ये तो फैशन से बाहर है, इट इज आउट ऑफ फैशन, ये फैशन से बाहर है। वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न एज, हम तो आधुनिक युग में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न एज, हम सब तो आधुनिक युग में रह रहे हैं, होमवर्क की कहां हो सकता है। स्कूल आवर्स आर ऑलरेडी लॉन्ग, विद्यालय का समय ही पर्याप्त है, ऐसा मानते हैं कि विद्यालय में खूब पढ़ा देते हैं, पर्याप्त पढ़ा देते हैं और हमें और अत्यधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गृह कार्य की आवश्यकता नहीं है। नाउडेज, कह रहे हैं आजकल स्टडी स्किल्स और
डेवलपिंग क्लासरूम स्कूल। आजकल तो अध्ययन की कुशलता विद्यालयों में और कक्षा कक्ष में ही विकसित कर दी जाती है, हमें गृह कार्य की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए हमारा क्या कह रहा है, अगेंस्ट में क्या कह रहा है, विपक्ष में क्या कह रहा है। देखो पक्ष में तो पढ़ लिया हमने, बहुत खुश हुए होंगे विद्यार्थी भी खुश हुए होंगे, अरे वाह अब हमें तो गुरु जी सर हमें मार्क्स आप तो अभी होमवर्क देंगे ही नहीं, अब तो मजे हो गए क्योंकि सर ने टॉपिक पढ़ा दिया है, अब वो सर इंग्लिश वाले सर पक्का नहीं देंगे, इंग्लिश वाले सर होमवर्क देंगे नहीं क्योंकि उन्होंने कह दिया पक्ष में कि गृह कार्य तो मतलब क्या है, स्कूल में क्यों पढ़ा देते हैं। और विद्यार्थी गृह कार्य करने से घबराते भी हैं क्योंकि आजकल के आधुनिक स्टूडेंट होमवर्क करना नहीं चाहते हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के में जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हुए हैं, मोबाइल लैपटॉप इनमें लगे रहते हैं, उनको गृह कार्य करने का समय ही नहीं मिलता है तो वो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी एक टॉपिक और बाकी है जिसको हमने माना है अगेंस्ट, उसको कहते हैं विपक्ष में, उसको देखिए क्या कहना है। आपकी भूल थी, विद्यार्थियों को गृह कार्य देना चाहिए, विद्यार्थियों को तो गृह कार्य बिल्कुल पक्का देना चाहिए। होमवर्क टू स्टूडेंट शुड बी गिवेन, नहीं नहीं विद्यार्थियों को गृह कार्य तो देना चाहिए। आउट ऑफ 24 आवर्स लगभग हमारे पास 24 घंटे होते हैं, स्कूल इज ऑफ 5 आवर्स ओनली, विद्यालय तो केवल 5 घंटे का होता है, विद्यालय में 5 घंटे पढ़ के आते हैं, बदमाशी करते करते खेलते हैं और मोबाइल चलाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टीवी देखते हैं और गप्पे मारते हैं उधर बैठ के और किताब तो छूते नहीं है, इसलिए हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे स्कूल आवर्स के और 5 आवर स्कूल के जो समय होता है 5 आवर्स ओनली मतलब 5 घंटे होता है, 24 घंटे में 5 घंटे स्कूल से आने के बाद कोई पढ़ता नहीं, इसलिए विद्यार्थियों को तो गृह कार्य देना ही देना चाहिए। सो स्टूडेंट नीड एसोसिएशन विद स्टडीज फॉर मोर टाइम, इसलिए विद्यार्थी को आवश्यकता होती है कि वह अध्ययन का अधिक से अधिक संगति के साथ वह अध्ययन करे। होमवर्क परफॉर्म दिस ड्यूटी, इस प्रकार गृह कार्य इस कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है, इस प्रकार गृह कार्य इन कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। अब देखिए हम आपको पक्ष और विपक्ष बताए हैं, पक्ष में तो हमने बताया कि गृह कार्य नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पुरानी अवधारणा है और ये पुराना फैशन बन चुका है और हम आधुनिक एज में रहते हैं और स्कूल का जो समय है पहले से ज़्यादा होता है और आजकल जो अध्ययन की कुशलता है वो विद्यालय और कक्षा कक्ष में विकसित हो जाती है। लेकिन हमने अगेंस्ट में कुछ कहा है, अगेंस्ट में हमने कहा है नहीं नहीं होमवर्क को विद्यार्थी को देना चाहिए क्योंकि 24 घंटे में से 5 घंटे विद्यालय का होता है और बाकी बच्चे फ्री रहते हैं और इसलिए विद्यार्थी उनके साथ साथ उनकी संगति में लेकर के अधिक से अधिक समय तक अध्ययन करेंगे और उसे सुचारू रूप से जारी रखेंगे। इस प्रकार जो गृह कार्य है वो अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि आपको अगर कोई कमी लगे तो कमेंट में हमें जरूर लिखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ देखिए अगला प्रश्न है, सुना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो होमवर्क के बारे में बताया था आपको कि होमवर्क शुड नॉट बी गिवन टू द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, इसके पक्ष में मैंने बताया आपको, विपक्ष में भी बताया। पक्ष में सुनकर तो आप बड़े खुश हुए होंगे और विपक्ष में सुनकर थोड़ा दुखी भी हुए होंगे, इसलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ आपके सामने दिया हुआ है, राइट अबाउट 50 वर्ड्स, मतलब इनके बारे में 50 शब्द फिर लिखो, इनके बारे में 50 शब्द फिर लिखो, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्द लिखो इनके बारे में, 50 वर्ड एंड 50 शब्द लिखो। व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू से आप क्या कहना चाहते हैं, फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक, पक्ष और विपक्ष में किस विषय पर, विषय क्या है, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। आप इस प्रश्न को सुनकर बड़े खुश हुए होंगे कि सर देखो मोबाइल की प्रशंसा कर रहे हैं, मोबाइल हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है, अरे सर ने कितनी अच्छी बात कह दी, पहले तो होमवर्क के लिए मना कर दिया कि होमवर्क नहीं करना है, अब तो कह रहे मोबाइल भी उपयोगी है, अब तो मजे हो गए, होमवर्क करना नहीं पड़ेगा मोबाइल चलाएंगे, कितने मजे हो गए। लेकिन मजे नहीं हुए, इसके पक्ष में है तो विपक्ष में भी है, फॉर में है तो अगेंस्ट में भी है, अगर यदि मोबाइल आपके लिए सही भी है तो गलत भी है, दोनों है, हर चीज़ के पीछे दोनों कारण होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी। देखिए प्रश्न कह रहा है राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, इनके बारे में 50 शब्द लिखें, व्हाट यू वांट टू से आप क्या कहना चाहते हैं, फॉर और अगेंस्ट पक्ष और विपक्ष में इन चीज को बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अगेंस्ट द टॉपिक मोबाइल आर यूज फॉर स्टूडेंट,
मतलब मोबाइल टॉपिक है जो कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अब आपको पक्ष में बताना है कि मोबाइल उपयोगी है और विपक्ष में बताना है कि मोबाइल उपयोगी बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आपने आंसर डाल दिया, फिर वही बात जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने की थी वही बात रिपीट के लिए अपने को आंसर में जो हेडिंग डालना है वो कैपिटल लेटर में डालना है, बड़े बड़े अक्षरों में, इंग्लिश में बड़े अक्षरों में डाल देना है। इसमें लिखे मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, मतलब मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, यह आपका टॉपिक है। आप इसमें फॉर और अगेंस्ट, मतलब इस टॉपिक में फॉर और अगेंस्ट दोनों आपको करना है, फॉर यानी पक्ष में करना है, अगेंस्ट यानी विपक्ष में करना है। तो आपका पक्ष चीज तो आपके टॉपिक में प्रश्न में आएगा एग्जाम में, लेकिन आप इसके साथ साथ विपक्ष की तैयारी रखिए कि इन चीजों से हमें फायदा है तो हानियां क्या क्या है, और इसका गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए, मतलब कोई प्रमाण होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए जो विद्यार्थी में सबके दैनिक जीवन पर लागू हो सके, आम लोगों के दैनिक जीवन पर ये लागू हो सके। यानी कि ये पक्ष में विपक्ष में भी सही है, यदि पक्ष में ये सही है तो विपक्ष में भी इसका सही होना बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, मतलब मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ये चीज देखिए। अब हमने लिखा फोर यानी पक्ष, फॉरनी के लिए पहले बताया था मैंने, अब क्या फॉरनी पक्ष। अब देखो पक्ष में अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले कुछ एक बात है आपके लिए, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, मतलब मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है, मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, वही प्रश्न का जो आपने हेडिंग डाली थी वही आपने लिख दिया मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, मतलब मोबाइल फोन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। मोबाइल ऑलवेज कीप स्टूडेंट इन टच विद द फैमिली एंड द स्कूल, मोबाइल विद्यार्थियों को हमेशा परिवार और विद्यालय से जोड़े रखता है। प्रश्न कह रहा है पक्ष में कि मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है और ये हमेशा विद्यार्थियों को परिवार तथा विद्यालय से जोड़े रहता है, मतलब मोबाइल फोन से हम विद्यालय और परिवार से जुड़े रहते हैं। इफ ए स्टूडेंट मीट विद एन एक्सीडेंट, यदि दुर्भाग्यवश भगवान ने करे ऐसा हो, यदि दुर्भाग्यवश विद्यार्थी कोई दुर्घटना, विद्यार्थी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, इफ यदि ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी मीट विद एन एक्सीडेंट, यदि विद्यार्थी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, इट्स इनफॉर्म इसकी सूचना इमीडिएटली कैन इमीडिएटली तुरंत भी कन्वेंस सुविधापूर्वक द फैमिली परिवार तक पहुंचाया सकता है। यदि दुर्भाग्यवश विद्यार्थी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी सूचना हम तुरंत ही सुविधाजनक रूप से मोबाइल के माध्यम से हम परिवार वालों तक पहुंचा सकते हैं। फिर बस इस प्रकार मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, इस प्रकार मोबाइल विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। अब देखो खुशी की बात तो थी कि मोबाइल विद्यार्थियों के लिए, मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। अब बात आई कि मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि अब अपने को फॉर के बजाय अगेंस्ट में उत्तर देना है। अब अपने को सीरियस लेना है कि अपने को उत्तर क्या देना है, अपने को इस बात को समझना होगा। सबसे पहले हम पक्ष को दोबारा समझ लेते हैं, फॉर को दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि पक्ष क्या कह रहा है कि मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है, मोबाइल हमेशा विद्यार्थियों को विद्यालय और परिवार से जुड़े रखता है, यदि विद्यार्थी के साथ दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो यह हमें तुरंत सुविधापूर्वक घर वालों से इसकी इन्फॉर्म प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार मोबाइल हमारे लिए उपयोगी होता। अब बात आती है हमें अगेंस्ट की, कि हमें अगेंस्ट में क्या बोलना है, हमें विपक्ष में भी लिखना है कुछ, वही 35 वर्ड हमें विपक्ष में भी देना है कि हमारे लिए मोबाइल उपयोगी है कि नहीं है। अब इसमें आप सिंपल सी बात है, आप समझते हैं यदि हमारे लिए पक्ष में मोबाइल उपयोगी था, यूजफुल था, तो विपक्ष में हमारे लिए मोबाइल यूजफुल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहेगा, अनयूजफुल रहेगा, नॉट यूजफुल, मोबाइल आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट। देखिए आगे इसमें क्या है, मोबाइल आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट, मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं होता है, मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं होता है। मोबाइल्स डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्ट्रीट, मोबाइल फोन विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भंग कर देता है,
वह मोबाइल जो विद्यार्थियों का अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो पढ़ाई से विकर्षण में बदल देता है, मतलब अट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन में बदल देता है। जो अट्रैक्शन होता है पढ़ाई के प्रति, आकर्षण होता है विद्यार्थियों का, वो मोबाइल फोन ऐसा चीज है जो डिस्ट्रैक्शन में बढ़ा देता है, मतलब उसका विकर्षण कर देता है। विद्यार्थी लगे रहते हैं मोबाइल में, लगे रहते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल ओनली फॉर्मेलिटी करते हैं, अपने गार्जियन अभिभावक को दिखाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, केवल वो फॉर्मेलिटी औपचारिकता करते हैं, ना कि वह सीरियसली पढ़ रहे होते हैं। इससे वह अपने अभिभावकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, वो खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। अभिभावक बेचारे कितनी मेहनत से पैसे कमा कर लाते हैं, लगाते हैं, और वो अपने साथ खुद के साथ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए देखिए मोबाइल आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट, मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं होता है। मोबाइल डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टडीज, मोबाइल फोन विद्यार्थियों का आकर्षण पढ़ाई से हटा लेता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार ने हैज प्रोहिबिटेड इट्स यूज इन द क्लासरूम, राजस्थान सरकार ने इसके उपयोग कक्षा कक्ष में इसके उपयोग पर निषेध कर दिया है कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अध्यापक कक्षा कक्ष में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकता। यदि मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो अध्यापक के साथ साथ विद्यार्थियों में विकर्षण उत्पन्न हो जाता है, उनका भी ध्यान भंग हो जाता है, उनका भी पढ़ाई से मन हट जाता है, अध्यापक के साथ साथ विद्यार्थी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक ऐसा रूल लगा दिया है कि मोबाइल फोन का कक्षा में वर्जित है, मोबाइल फोन का उपयोग कक्षा में आप नहीं कर सकते हैं। अध्यापक विद्यार्थी कोई भी कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार ने हैज प्रोहिबिटेड, निषेध कर दिया है इट यूजेस इन द क्लासरूम, इसका उपयोग कक्षा कक्ष में करने से राजस्थान सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जो कक्षा कक्ष में इसके उपयोग से बिल्कुल एकदम निषेध कर दिया है। अब देखिए आगे, मोबाइल रिंग्स ड्यूरिंग टीचिंग कॉज प्रॉब्लम, जब मोबाइल की घंटी बजती है उसके दौरान पढ़ाई में बाधा आ जाती है, पढ़ाई के में कारण की समस्या आती है, बहुत सारे कारणों की समस्या हो जाती है, सारे विद्यार्थियों का ध्यान भंग हो जाता है। मोबाइल रिंग्स जब मोबाइल की घंटी बजती है ड्यूरिंग टीचिंग, अध्यापन के समय जब मोबाइल की घंटी बजती है, कॉज प्रॉब्लम वो समस्या का कारण खड़ा कर देती है, बहुत सारी समस्याओं का कारण हो जाता है। स्टूडेंट इंटरटेन मोर विद द इक्विपमेंट, इस उपकरण से विद्यार्थी अधिक समय तक मनोरंजन करते हैं, इनका गलत उपयोग भी करते हैं। स्टूडेंट इंटरटेन मोर विद दिस इक्विपमेंट, इस उपकरण से विद्यार्थी मोबाइल फोन का दुरुपयोग भी करते हैं, अधिक से अधिक सब मोर देन एनफ टाइम द स्टूडेंट इंटरटेनमेंट विद द मोबाइल, मतलब विद्यार्थी इस मोबाइल फोन इस उपकरण के साथ अधिक समय तक मनोरंजन करते हैं, इससे उनके दैनिक जीवन में उनको नुकसान है। मोबाइल में रिसोर्ट टू क्राइम, मोबाइल अपराध का भी कारण बन सकता है, मतलब मोबाइल अपराध का कारण भी बनता है, बन सकता है और बनता भी है, मोबाइल अपराध का कारण भी बनता है। दस इस प्रकार मोबाइल फोन आर नॉट यूज्ड फॉर स्टूडेंट, इस प्रकार मोबाइल फोन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मोबाइल फोन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, एकदम नहीं है, और उपयोगी भी है यदि वह उसे पॉजिटिव रूप में लेते हैं तो वह मोबाइल फोन उनके लिए उपयोगी भी है। इस प्रकार आप इस चैनल को अगर समझ में आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ देखिए, हम आपके लिए अगला प्रश्न लेके आए हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। हम आपको दो प्रश्न तो बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्गुमेंट्स, मतलब तर्क वितर्क के वर्णन के बारे में आपको दो क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल एकदम से आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, इनके बारे में 50 शब्द लिखें। What you want to say, आप क्या कहना चाहते हैं, इनके बारे में 50 शब्द लिखें। For or against, पक्ष अथवा विपक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं। The topic, विषय आपका है self study is the success of the key, स्वाध्याय ही सफलता की कुंजी है। इस टॉपिक के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है, वो भी फॉर और अगेंस्ट में। सेल्फ स्टडी इज द सक्सेस ऑफ द की, मतलब स्वाध्याय ही सफलता की कुंजी है।
इस प्रश्न को आपको पक्ष और विपक्ष में दोनों में लिखना है। क्या स्वाध्याय सफलता की कुंजी है? सेल्फ स्टी इज द सक्सेस ऑफ द की। क्वेश्चन दिया, राइटिंग अबाउट 50 वर्ड्स, व्हाट यू वांट टू से फॉर द अगेंस्ट द टॉपिक सेल्फ स्टी इज द सक्सेस ऑफ की। मतलब राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, प्रश्न दे रहा है इनके बारे में 50 शब्द लिखें। हिंदी अपनी सीधी सी चलती है, इंग्लिश उल्टी उल्टी चलती है, इसलिए राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्द लिखें। व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं? फॉर और अगेंस्ट, पक्ष अथवा विपक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं? द टॉपिक जो विषय है सेल्फ स्टी इज द सक्सेस ऑफ की, आपको पता है स्वाध्याय सफलता की कुंजी है। ये तो आपका पक्ष का दे दिया, पक्ष का फॉर का आपका सब्जेक्ट आपको दे दिया गया है, अगेंस्ट का आपको अपने मन से, मतलब फॉर भी करना अपने मन से, अगेंस्ट भी करना अपने मन से, लेकिन आपका टॉपिक है सेल्फ स्टी इज द सक्सेस ऑफ द की, स्वाध्याय सफलता की कुंजी है। देखिए और भी लिखा आपने, सेल्फ वही जी, सेल्फ स्टडी इज द सक्सेस ऑफ की, स्वाध्याय सफलता की कुंजी है। स्टूडेंट है मोर देन एनफ टाइम एट देयर होम, विद्यार्थियों के पास जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त से ज्यादा, अधिक समय, पर्याप्त समय होता है घर पर अध्ययन करने के लिए, मतलब विद्यालय के अलावा घर पर अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के पास पर्याप्त समय होता है। मोर देन एनफ टाइम टू स्टूडेंट स्टडी एट देयर होम, मतलब विद्यार्थियों के पास विद्यालय के अलावा घर पे अध्ययन करने का अधिक समय होता, खूब समय होता, खूब टाइम होता। यदि वो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, उनको पर्याप्त समय पढ़ सकते हैं, उनको कोई काम भी नहीं करवाएगा, उनसे कोई काम उनको नहीं सौंपेगा। सो स्टूडेंट कैन मोर एंड मोर स्टडी एट होम, इसलिए विद्यार्थी अधिक से अधिक समय तक घर पर अध्ययन कर सकते हैं, मतलब वो स्वाध्याय अधिक से अधिक समय तक घर पर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम खूब है, घर पे पर्याप्त समय है। सेल्फ स्टडी स्वाध्याय डेवलपमेंटल एबिलिटी, स्वाध्याय मानसिक योग्यता को विकसित करता है, स्वाध्याय मानसिक योग्यता को विकसित करता है, मतलब स्वाध्याय जो होता है, सेल्फ स्टडी होता है, वो मेंटल एबिलिटी को डेवलप कर देता है, अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसको डेवलप कर देता है स्वाध्याय। स्कूल आवर्स बिकम 5 or 6 hours ओनली, विद्यालय का समय 5 अथवा 6 घंटे का होता है, केवल विद्यालय का समय 5 अथवा 6 घंटे का ही होता है। इफ स्टूडेंट डू सेल्फ स्टडी, यदि विद्यार्थी स्वाध्याय करते हैं एट देयर होम, उनके घर पर, दे एंड दे ऑब्टेन अचीवमेंट, तब वह बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी उनके घरों पर स्वाध्याय करते हैं नियमित रूप से, तो वो बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब बात दोहराई जा रही है, फॉर की बात दोहराई जा रही है, इसका रिपीटेशन किया जा रहा है। सेल्फ स्टडी इज द सक्सेस ऑफ द की, स्वाध्याय सफलता की कुंजी है। स्टूडेंट है मोर देन एनफ टाइम एट देयर होम, विद्यार्थियों के पास अधिक से अधिक समय उनके घरों पर होता है। स्टूडेंट कैन मोर एंड मोर स्टडी एट होम, विद्यार्थी अधिक से अधिक समय तक घर पर अध्ययन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी डेवलप मेंटल एबिलिटी, स्वाध्याय मानसिक, स्वाध्याय मानसिक योग्यता को विकसित करता है। स्कूल आवर्स बिकम 5 or 6 hours ओनली, विद्यालय का समय 5 अथवा 6 घंटे का ही होता है। इफ स्टूडेंट डू सेल्फ स्टडी एट देयर होम, यदि विद्यार्थी अपने घरों पर स्वाध्याय करें, देन दे ऑब्टेन अचीवमेंट, तब वे उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इन अगेंस्ट सेल्फ स्टडी इज नॉट द सक्सेस ऑफ द की, स्वाध्याय सफलता की कुंजी नहीं है, क्योंकि हमने विपक्ष पढ़ना शुरू कर दिया, पक्ष तो पढ़ के खत्म कर दिए, विपक्ष पढ़ना शुरू कर दिए, तो विपक्ष में कह रहा है कि सेल्फ स्टडी इज द नॉट द सक्सेस ऑफ द की, स्वाध्याय सफलता की कुंजी नहीं है। बिकॉज द स्टूडेंट बिकम केयरलेस ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि विद्यार्थी इस तथ्य से लापरवाह हो जाते हैं, विद्यार्थी इस तथ्य से लापरवाह होते, उनका कहना है कि हम खुद ही पढ़ना, पढ़ लेंगे, बस यही कहते हैं पढ़ लेंगे, ये नहीं कहते कब पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, इसे कल पढ़ लेंगे, इसे परसों पढ़ लेंगे, पढ़ते नहीं है, जो गरजते वो बरसते नहीं है, आज ही कल पढ़ लेंगे, कल सुबह 4 बजे तो पक्का उठ जाएंगे और 4 बजे उठकर पढ़ेंगे, लेकिन फिर नहीं उठते हैं क्योंकि नींद आ जाती है और वो फिर प्लान बनाते हैं, आज सो जाते हैं, अगले दिन उठकर पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल अगले दिन तो पक्का पढ़ लेंगे, अगला दिन ना कभी आता है, ना कभी वो पढ़ते हैं, ना कोई कल आता है, ना विद्यार्थी पढ़ते हैं। जो
पढ़ते हैं वो ज़्यादा प्लान नहीं बनाते, ज़्यादा प्लान सेट नहीं करते हैं, कोई लंबी प्लानिंग नहीं करते कि हम पढ़ लेंगे। उनको पढ़ना है तो पढ़ते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्लान सेट करते हैं, हम सुबह 4 बजे उठेंगे 5 बजे और बिल्कुल पढ़ेंगे, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। जिनको पढ़ना होता है ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, थोड़ा परिश्रम करते हैं, 2-4 दिन बुरा लगता है, फिर उनकी आदत बन जाती है और रेगुलर वे नियमित रूप से सुबह उठकर अध्ययन करते हैं। अब देखिए, Because the student become careless of this fact, क्योंकि विद्यार्थी इस तथ्य से लापरवाह हो जाते हैं and do not study proper time, और बिल्कुल सही समय पर अध्ययन नहीं करते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, सही समय पर अध्ययन नहीं करते हैं। They have need proper instruction, उन्हें साधारण निर्देशों की आवश्यकता है, विद्यार्थियों को साधारण निर्देशों की आवश्यकता, बहुत जरूरी आवश्यकता है। If student यदि विद्यार्थी have been given extra topic about the subject, यदि उन्हें उस विषय के बारे में एक्स्ट्रा अत्यधिक टॉपिक दिया जाए उनको, तो वो उसमें लगे रहते हैं, then तब they study more than enough time, तब वह अधिक से अधिक समय तक अध्ययन करते हैं। Thus इस प्रकार the selfishness is not success of the key, इस प्रकार स्वाध्याय सफलता की कुंजी नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अब आपको प्रारंभ मोटिवेशन के बारे में बात करने की, अनुप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेट कैसे करते हैं, मतलब उत्साहित करके, एक दूसरे का उदाहरण देकर के। देखो वो विद्यार्थी कितना कठिन परिश्रम करता था, उसने इस लक्ष्य को प्राप्त किया, उसको देखो परिवार कंडीशन मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और उसने क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली, जो गाँव वालों परिवार वालों ने रिश्तेदारों ने सोचा नहीं था, उस पद पर उनका बेटा नियुक्त है और उनके घर में पारिवारिक कंडीशन बिल्कुल खराब थी। अब देखिए इसी बात पर चर्चा करते हुए हम आपको बताते हैं, प्रश्न है, वही प्रश्न है, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, इनके बारे में 50 शब्द लिखें, व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं, फॉर और अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष में, द टॉपिक विषय, प्राइज एंड अवार्ड, इनाम और पुरस्कार। मोटिवेट स्टूडेंट, कह रहा है प्रश्न कि इनाम और पुरस्कार विद्यार्थियों को अवप्रेरित करते हैं, इनाम और पुरस्कार विद्यार्थियों को अवप्रेरित करते हैं, ये आपका प्रश्न का टॉपिक है। देखो आंसर डाल के आप लिख दिए, प्राइज एंड अवार्ड मोटिवेट स्टूडेंट, मतलब इनाम और पुरस्कार विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं, ये आपने हेडिंग डाल दी। अब आपको पता है कि हमें पक्ष में लिखना है, फॉर में लिखना है, अगेंस्ट में लिखना है, फॉर में सबसे पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें अगेंस्ट बताना है, सबसे पहले फॉर में क्या लिखा, इट इज राइट, ऐसा कहना सही है, दैट प्राइज एंड अवार्ड मोटिवेट स्टूडेंट, ऐसा कहना बिल्कुल सही है कि इनाम और पुरस्कार विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल 100% सही है कि इनाम और पुरस्कार विद्यार्थियों को अप्रेरित करते हैं। टू विन बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, अच्छे विद्यार्थी का पुरस्कार, यानी अच्छे विद्यार्थी का पुरस्कार जीतने के लिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्क हार्ड, एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, एक क्लास में टॉपर, कक्षा में अच्छा विद्यार्थी, कक्षा में सबसे प्रथम स्थान लाने के लिए पूरे साल विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि हमारे आधे नंबर कट गए, इनसे कम हमारे नंबर आ गए, अगली बार आधे नंबर हम इससे ज़्यादा लाएंगे, इतना कंपटीशन का दौर है, एक एक नंबर के लिए, आधे आधे नंबर के लिए, 1/4 नंबर के लिए विद्यार्थी कठिन प्रयासरत रहते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं और इतना परिश्रम करते हैं कि उन्होंने इस कंपटीशन के दौर में पहले कभी नहीं किया था। It is right, ऐसा कहना सही है, that prize and award motivate students, कि पुरस्कार और इनाम विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। To win, जीतने के लिए, best student award, अच्छे विद्यार्थी का पुरस्कार जीतने के लिए, a number of students, अधिक संख्या में विद्यार्थी, work hard the whole year, पूरे साल कठिन परिश्रम करते हैं, एक अच्छा विद्यार्थी कक्षा में अच्छा अंक आने के लिए, उच्च स्थान आने के लिए, बढ़िया नंबर लाने के लिए विद्यार्थी पूरे साल कठिन परिश्रम करते हैं। टू विन जीनियस स्टूडेंट अवार्ड, और वह प्रतिभावान विद्यार्थी का पुरस्कार पाने के लिए भी कठिन परिश्रम करते हैं। जीनियस स्टूडेंट अवार्ड, प्रतिभावान विद्यार्थी पुरस्कार जीतने के लिए भी वह कठिन परिश्रम करते हैं। द स्टूडेंट ट्राइज हार्ड, विद्यार्थी कठिन कोशिश करते हैं।
to win it once more. यदि वह एक बार इनाम प्राप्त कर लेते हैं तो विद्यार्थी इससे भी कठिन परिश्रम करते हैं कि वह इससे भी अधिक अगली बार भी कोई पुरस्कार, इससे अच्छा पुरस्कार प्राप्त करे, इससे अच्छा पुरस्कार वह डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राप्त करे, स्टेट लेवल प्राप्त करे, कंट्री लेवल प्राप्त करे, फॉरेन लेवल प्राप्त करे, उन्हें इससे अच्छे बड़े पुरस्कार प्राप्त करने की जिज्ञासा बन जाती है। एक छोटा सा पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्हें बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने की लालसा बन जाती है, बड़े जिज्ञासु होते हैं कि हमें तो आज छोटा पुरस्कार मिला है, हो सकता है हमें हम अच्छा काम करें, अच्छा नंबर लाएं, स्टेट लेवल की मेरिट लाएं, इससे हमें स्टेट लेवल पर सम्मानित किया जाए और स्टेट लेवल का हमें अवार्ड मिले, इसलिए वे कठिन परिश्रम करते हैं। अब बात आती है अगेंस्ट की। अगेंस्ट की बात शुरू करने से पहले हम उस टॉपिक को दोहराना चाहते हैं कि इट इज राइट, ऐसा कहना सही है, दैट प्राइज एंड अवार्ड की इनाम और पुरस्कार मोटिवेट स्टूडेंट, विद्यार्थियों को अप्रेरित करते हैं, इनाम और पुरस्कार विद्यार्थियों को अप्रेरित करते हैं। टू विन बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, अच्छे विद्यार्थी का पुरस्कार जीतने के लिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्क हार्ड, अधिक संख्या में विद्यार्थी कठिन कार्य करते हैं, होल ईयर संपूर्ण वर्ष अच्छा कार्य करते हैं। टू विन जीनियस स्टूडेंट अवार्ड, प्रतिभावान विद्यार्थी का पुरस्कार पाने के लिए भी वह पूरे साल कठिन परिश्रम करते हैं। द स्टूडेंट ट्राइज हार्ड, विद्यार्थी कठिन कोशिश करते हैं, टू विन इट वंस मोर, इसे एक बार अधिक प्राप्त करने के लिए वह कठिन परिश्रम करते हैं। अब देखिए अगेंस्ट की बात आती है, आपको पता है अगेंस्ट में विपक्षी बोलना है, इसके विरुद्ध भी बोलना है, दूसरी बात ही बोलनी है। देखो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, प्रश्न में आपने जो आंसर दिया है उस पर आप सोचते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, प्राइज एंड अवार्ड, इनाम और पुरस्कार डू नॉट मोटिवेट स्टूडेंट, बिल्कुल विपक्ष में लिखना आपने को, हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि पुरस्कार और इनाम विद्यार्थियों को प्रेरित नहीं करते, क्यों हमें विपक्ष में बताना है, इसका उल्टा ही कहना है, हमें विपक्ष कहना है, बिल्कुल फोर का अगेंस्ट कहना है, तर्क का वितर्क देना है, डिबेट देना, वाद विवाद बताना है, तो इसलिए हमें बताना है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, प्राइज एंड अवार्ड, इनाम और पुरस्कार डू नॉट मोटिवेट स्टूडेंट, विद्यार्थी को प्रेरित नहीं करते हैं, मोटिवेशन इज गिवेन, हम कहते हैं कि मोटिवेशन इज गिवेन बाय इनर हैप्पीनेस, कि हमें प्रेरणा आंतरिक खुशी से मिलती है। हम विपक्ष में ये बता रहे हैं कि हमें अवप्रेरणा हमारे आंतरिक खुशी के द्वारा मिलती है, इनर हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस यानी आंतरिक खुशी से, हमें अवप्रेरणा आंतरिक खुशी से मिलती है, एंड सेटिस्फेक्शन हमें आत्मसंतुष्टि से मिलती है, एंड रिकॉग्नाइजेशन हम उस चीज की पहचान करते हैं, टू योर वर्क इन सोसाइटी, कि आपका समाज में क्या कार्य है, आप समाज में कैसा कार्य करते हैं। नाउडेज आजकल प्राइज एंड अवार्ड आर कंफर्म, आजकल इनाम और पुरस्कार ये सुनिश्चित किया जाता है, ऑन अदर कंसिडरेशन, अन्य लोगों का, अन्य लोगों की विचारधारणा है राधर देन मेरिट, कि उन्हें योग्य व्यक्तियों के अलावा भी दूसरे को भी दिया जाता है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों की विचारधारणा है, ऐसा लोग सुनिश्चित करते हैं कि योग्य व्यक्तियों के अलावा भी किसी मेरिट आए हुए व्यक्तियों को, किसी बिना योग्य अन्य व्यक्ति योग्यों को भी पुरस्कार लोग वितरित कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है, अयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कार वितरण जरूरी नहीं है। इवन मैनी स्टूडेंट, यहाँ तक कई विद्यार्थी भी, इवन का आपका यहाँ तक भी, इवन यानी यहाँ तक भी, मैनी स्टूडेंट, कई विद्यार्थी डू नॉट नो अबाउट देम, यहाँ कई विद्यार्थी तो पुरस्कार और इनाम के बारे में जानते नहीं है, यहाँ तक कई विद्यार्थी और पुरस्कार और इनाम के बारे में जानते भी नहीं है। देखिए बिल्कुल कठिन परिश्रम करने से, अच्छे ईमानदारी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, कठिन परिश्रम करने से सब कुछ अपने को हासिल हो सकता है, देर से दुरुस्त से हमें जरूर मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाएं, और यदि कोई कमी हो, यदि कुछ बात न समझ में आई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो वेरी मच।